नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के वोट पड़ चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लखनऊ का क्या है हाल। लखनऊ में पांचवें चरण में चुनाव है। राजनाथ सिंह वर्तमान सांसद, रक्षा मंत्री भी है। और वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन की तरफ से रविदास मल्होत्रा के प्रत्याशी बनाया गया है, जो मध्य से विधायक भी है। और हमारे संवाददाता ने गौतमी नगर में लोगों से बात की कि वो इस बार चुनाव में किसके सर पर ताज सजाएंगे और किसको दरकिनार करेंगे। तो चाय पर चर्चा में आज आपको राजधानी लखनऊ की जनता क्या चाहती है और जनता के दिल में क्या है वो बताते हैं। 2024 के चुनाव का आगाज हो चुका है। प्रथम चरण में पश्चिमी क्षेत्र में 8 सीटों पर वोटिंग भी हो चुकी है। मैं इसमें मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ के मध्य विधानसभा क्षेत्र में। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ 35वीं लोकसभा क्षेत्र माना जाता है, जहां से देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। और उनके तरफ से उनकी दूसरी इंडी गठबंधन की तरफ से रविदास मल्होत्रा, जो कि यहां के मध्य से विधायक भी है। यहां पर तमाम लोग हैं, हम चाय पे चर्चा करने आए हैं कि आखिरकार यहां का हाल क्या है, यहाँ के लोगों के मुद्दे क्या है, लोगों की पसंदीदा क्या है। और इस बार जो वो लोग जागरूक होकर मतदान करेंगे, मतदान करने का उनका एजेंडा क्या होगा, किस नीति को पसंद करके इस बार लोकसभा चुनाव में अपने मत का प्रयोग करके नेता को चुनेंगे। हालांकि यहाँ से राजनाथ सिंह 2 बार से सांसद रह चुके हैं, अभी भी है और रक्षा मंत्री भी है। यहाँ पर तमाम लोग बैठे हैं, देखिए गेरुआ वस्त्र का गमछा भी लपेटे हुए बैठे हैं। नेताजी से ही शुरुआत करते हैं, क्या लग रहा है 2024 का प्रथम चरण का वोटिंग हो चुकी है, यहाँ पांचवें चरण में वोटिंग है, किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, क्या एजेंडा है आप लोगों के? ये लेकिन कोई बात नहीं, आप अपनी बात बिल्कुल अपने इस मंच पे रख सकते हैं, क्योंकि पूरा देश देखता है। ये समय बहुत गर्व का समय है, लोगों को अपना हक चुनने का मौका मिलता है। मैं इंडिया न्यूज के समस्त दर्शकों को प्रणाम करता हूं। और ये लखनऊ नजाकत और नफासत का शहर है। हमारे परम श्रद्धे अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्मस्थली रही है और उनके विकास कार्यों को लेकर के, उनके एजेंडे को लेकर के लखनऊ में पिछले 2 बार से लगातार माननीय हम सबके नेता, संरक्षक, अभिभावक के रूप में श्रद्धे राजनाथ सिंह जी लगातार 2 बार से यहां से जीत रहे हैं। उनका और लखनऊ का बहुत गहरा नाता हो चुका है। लखनऊ उनका परिवार है, वो हमारे परिवार के हो गए हैं। लखनऊ में जिस तरीके से उन्होंने विकास की गंगा बहाई, हम जहाँ बैठे हैं ये लखनऊ मध्य विधानसभा क्षेत्र, अगर यहीं की बात करें तो आज गोमती नगर रेलवे स्टेशन जो विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बन रहा है, इसी के ठीक पीछे 3-3 रेलवे की आरओबी बन रही है और रेलवे के फुट ओवर ब्रिज बन रहे हैं। और जिस तरीके से बिजली, पानी, सड़क पर उन्होंने निरंतर काम किया और संवाद किया, उससे इस बार लखनऊ ने ठाना है कि इस बार 5 लाख पार। लखनऊ ने एक नारा दिया है, अपने मन से दिया, अपने आप से सबके मन में भाव है कि जिस तरीके से राजनाथ सिंह जी ने लखनऊ के अंदर लखनऊ को बदल करके रख दिया, तमाम ओवर ब्रिज, रेलवे स्टेशन का उच्चीकरण, लखनऊ शहर के जाम से निजात। आप तो बात सही कह रहे हैं, लेकिन समाजवादी कहती है कि स्टेडियम हमने बनाया है, मेट्रो हमने बनाया है, जनसमिस पार्क हमने बनाया है, सब पार्टियां तो अपने अपने दावे। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जिस समय लखनऊ मेट्रो का शिलान्यास हुआ था, यूरोपियन बैंक से जब लोन मिला था, उस लोन की गारंटी किसने ली थी, उस लोन की गारंटी किसने दिलाई थी? उस लोन की गारंटी दिलाई थी तत्कालीन भारत के गृह मंत्री, यानी आज जो रक्षा मंत्री श्रद्धेय राजनाथ सिंह जी ने यूरोपियन बैंक की गारंटी से लोन दिलवाया था। ये काम भारत सरकार ने किया था। सही बात कह रहे हैं आप, विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन अब बिल्कुल सर पे है। प्रथम चरण में वोट पड़ चुका है, वहां लोगों ने आकलन भी लगा लिया कितनी सीटें किसको मिलनी है। लेकिन यहाँ पे और भी लोग हैं, मैं इसमें मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ के गोमती नगर क्षेत्र में, सबसे पॉस इलाका है, यहाँ लगभग लोग शिक्षित है और पूरे विकास है, मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर तरीके के लोग रहते हैं, यहाँ पर बाहर से भी लोग रहते हैं। भैया क्या देख रहे हैं इस बार 2024 के चुनाव? मन बना हुआ है, मन बना हुआ, हाँ, कहीं से विचलित नहीं है, मन विचलित नहीं, पूरी तरीके से बन गया है, पूरी तरह बना हुआ है। एटीट्यूड बता रहा है कि एकदम भाजपा की तरफ भी जा रहे हैं। जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश तो बिल्कुल 80 में 80 सीटें हैं, बाकी प्रदेश बाकी भी अपनी जगह राइज कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, जहां जिसकी राजधानी लखनऊ में हम बैठे हैं, विकास अपनी जगह है, राम मंदिर अपनी जगह है, लेकिन लोगों का माइंडसेट है, उसमें कहीं कोई डायवर्जन नहीं है, पूरा का पूरा। मंदिर भी बहुत बड़ा अहम मुद्दा माना जा रहा है, बिल्कुल मुद्दा, किस तरह से देख रहे भैया?
चाय की चुस्की लेने आए क्या? हाँ बिल्कुल लेने आए। किस तरह से देख रहे हैं पांचवी चरण में तैयारी बनाई कि नहीं वोटिंग की? वोटिंग की तैयारी है कि नहीं? बिल्कुल है। इसको वोट करेंगे? एक ही है, कमल का फूल, माननीय राजनाथ सिंह जी। देखिए यहाँ पर सभी लोग जैसे लग रहा है कि राजनाथ जी का ही नाम रहते हुए बैठे हैं। यहाँ पे तमाम युवा वर्ग है, इनसे भी बात करते हैं। भाई साहब जी, चुनाव चल रहा है, सबने अपना अपना मत देना शुरू कर दिया है। मुस्कान आपकी बता रही है कि आप भी पूरी तैयारी के साथ हैं। क्या एजेंडा है, किस एजेंडे को आप पसंद करें, मतलब क्या आपको? हमारा एजेंडा तो यहाँ लखनऊ में केवल विकास ही है। माननीय रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह जी ने जितना विकास कार्य किया है उसको देख करके हम लोगों ने इस बार ठाना है कि 5 लाख से अधिक के अंतर से उनको जीत दिलानी है इस बार। अगर 5 लाख के अंतर से जीत नहीं दिला पाते हैं हम लोग तो हम लोग की ये हार मान ली जाएगी। बिल्कुल, देखिए बूथ अध्यक्षों का जो सम्मेलन हुआ था उसमें टारगेट बनाया था कि आपकी बार 5 लाख पार। ये 35वीं लोकसभा है, यहाँ पे देखिए तमाम युवा है, कुछ लोग मोबाइल भी चला रहे हैं। भाई क्या तैयारी है वोटिंग? पूरी तैयारी हम लोगों ने कर रखी है, इसमें कैसे कोई संदेह, अब की बार 5 लाख पर लेकर आप उत्साहित हैं? सब सारे मुद्दे, विकास पे, राम मंदिर पे, किस कौन कौन सा मुद्दा गिनाया जाए, कोई एक मुद्दा जो गिनाया जाए, मुद्दे गिनाने के लिए है ही नहीं है। इतना कार्य किया है बीजेपी ने और हमारे माननीय राजनाथ सिंह ने, अभिभावक हम लोगों के, समाजवादी और बसपा भी तो लंबे समय से नहीं। सपा आपकी समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी, उसका कोई अस्तित्व नहीं बचा है। समाप्तवादी पार्टी हम लोग 80 में 80 सीटें जीतने का यहाँ से काम करेंगे। 80 में 80 सीटें जीतेंगे पूरे। और अब की बार जो मोदी जी ने नारा दिया है, अब की बार 400 पार वो पूरा होता नजर आ रहा है। देखिए कहीं ना कहीं लोग पूरी तरीके उत्साहित है, यहाँ पे और भी लोग है, हम बात करते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? विनोद यादव। विनोद यादव जी जी, क्या क्या पसंद है? पसंद इनकी छवि साफ सुथरी है, राजनाथ जी की छवि साफ। जी जी, ये एजेंडा है आप? बस साफ सुथरी छवि है, बंदा साफ सुथरा काम करेगा। वोट किसको करेंगे आप? इन्हीं को करेंगे, राजनाथ जी को। देखिए ये लखनऊ के यादव वर्ग से हैं, आप कह रहे हैं कि वोट करेंगे, हालांकि वो तो वैलिड पेपर से साफ हो जाएगा कि कौन है। अखिलेश यादव एक तरफ लड़ रहे हैं, सब अपने अपने जाति और बिरादरी की चुनाव में लोग अपना अपना एजेंडा देख रहे हैं कि किस तरह। आप देख रहे हैं गोमती नगर का एरिया है जहाँ पे लाइन से चाय की दुकानें हैं, यहाँ पे तमाम लोग हैं और भी लोग हैं। हम चाय की दुकान वालों से बात करते हैं कि आखिरकार आपके यहाँ प्रतिदिन सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग आते हैं, आपके यहाँ चाय की चुस्की लेते हैं, तो फिर उसके बाद आप लोग किस तरह से वो करते हैं? भैया आपके यहाँ लोग रोज सैकड़ों लोग चाय पीने आते हैं, चुनाव में क्या माहौल चल रहा है आपके यहाँ? चुनाव में चुनाव में बीजेपी माहौल चल रहा है यहाँ पे, सैकड़ों लोग। क्या नाम है आप? मेरा अभय नाम है। जब आपके यहाँ लोग चाय पीने आते हैं क्या चर्चा चलती रहती है? बारे में चर्चा चलती है, बीजेपी के बारे में, भाजपा के बारे में। क्या लगता है इस बार भाजपा ही जीतेगी? अरे वो बिल्कुल जीतेगी। देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं ये चाय के दुकान वाले हैं, यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में देखिए लोग यहाँ कस्टमर बैठे हैं अलग अलग तरीके से। यहाँ पे ढाबली में भी लोग हैं और ये ढाबली वाले हमको लगता है नीचे ही उतर आए हैं, कैमरा देख के उत्साहित है। ये भाई साहब का ये ढाबली है जो ये चाय बेच रहे हैं। भैया क्या माहौल चल रहा है लखनऊ का? भाजपा का ही है सर, भाजपा चल रहा है। देखिए बिल्कुल यहाँ पे बहुत लोग मिले, बहुत लोगों से बातचीत की, अभी तक समाजवादी बीएसपी का नाम किसी ने नहीं लिया, लेकिन ये जरूर है कि जो राजधानी लखनऊ है ये बीजेपी की सीट मानी जाती है। यहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव जीतते थे, अब राजनाथ सिंह यहाँ से चुनाव जीतते आ रहे हैं और इस बार भी राजनाथ सिंह को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है, जिसके लिए लोग भी पूरी तरीके से उत्साहित है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ पंकज मंडल, इंडिया न्यूज लखनऊ। वहीं लखनऊ से हमारी संवाददाता निकिता सरीन भी जुड़ चुकी हैं, जो कि लोगों से जानेंगी कि आखिर किस पर लोग किसके नाम पर चर्चा कर रहे हैं। निकिता मैं चाहूंगी आप लोगों से बात करें और चाय की चुस्कियों पर लोग किसके नाम को लेकर चर्चा कर रहे हैं। ओवर टू यू निकिता। देखिए चुनावी माहौल लगातार चल रहा है और ऐसे में फर्स्ट फेज की जो वोटिंग है वो हो भी गई है। थोड़ा सा नेगेटिविटी जरूर रही क्योंकि इतना परसेंटेज नहीं था, लेकिन अब आगे किस तरीके से सतर्कता बरतें इस पर ध्यान देंगे और लोगों की क्या राय है जाहिर है। सुबह सुबह चाय पर चर्चा करते हुए यहाँ पे कई लोग मिल गए और हम काफ़ी फेमस मशहूर नवाबों के शहर में जो शर्मा की चाय है उस आउटलेट पर इस वक्त फिलहाल खड़े हैं। कुछ लोग भी लगातार चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं, उनसे बात करेंगे। सर जिस तरीके से देखिए अभी चुनावी माहौल चल रहा है, फर्स्ट फेज के ऑलरेडी वोटिंग हो गई है, क्या लगता है आपको, किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे माहौल को? मतलब
किस सेंस में कह रही हैं? सर चुनावी माहौल जो चल रहा है अब लखनऊ की अगर मैं बात करूं तो पहले के मुकाबले कुछ थोड़ा सा पोलिंग जी उतनी कम नहीं हुई है, गर्मी है लेकिन बढ़िया है, और आई थिंक कि अपर साइड में इस समय जो गवर्नमेंट है वही है जी। आपको लग रहा है सर? हाँ बिल्कुल लग रहा है, अभी तक तो क्योंकि नॉर्थ इंडिया में भी ज़्यादा पोलिंग हुई है इसलिए नॉर्थ इंडिया में तो है ही है, और साउथ में भी इस बार काफ़ी उन लोगों ने एफर्ट किया है, स्पेशली तमिलनाडु में जो अन्नामलाई साहब हैं जो आईपीएस से अभी छोड़ करके वहाँ के बीजेपी के प्रेसिडेंट बनने उन्हें बड़ी मेहनत की है। सर प्रेजेंट जो सरकार है अभी उससे आप खुश हैं? हाँ प्रेजेंट सरकार से खुश हैं, कम से कम गरीब लोगों का इनने ध्यान रखा है और इंटरनेशनली भी हम लोगों को काफ़ी रिकग्निशन मिला हुआ है इससे। ये कुछ और भी लगातार लोग हमारे साथ मौजूद है भाई, चुनावी माहौल चल रहा है ठीक है, लखनऊ से ही हैं आप जी, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें 80 सीटें बेहद महत्वपूर्ण, क्या लग रहा है इस बार भी जो लहर है वो क्या कहती है? इस बार लहर तो ऐसा कुछ खास नहीं है कि 80-80 सीटें आ सकती हैं, अब वो तो अब इससे होता है कि कितनी वोटिंग करती है, सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि लास्ट ईयर की अपेक्षा, लास्ट चुनाव की अपेक्षा अभी तक जो फर्स्ट चरण में हुआ है उसमें दिखाया जाए कि लास्ट 2019 की अपेक्षा या 2022 की अपेक्षा इसमें थोड़ी वोटिंग कम हुई है, लेकिन क्या लगता है वजह क्या मानते हैं आप? अब इसमें हमें लोगों को जागरूक करना है कि हमें बढ़ चढ़ के जितने भी यूथ हैं जैसे कि हम लोग हैं हमें बढ़ चढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करनी है। अब वोटिंग आप किस मुद्दों पर करते हैं? हिंदू धर्म, हिंदू मुस्लिम से उठ करके देश के हित में, राष्ट्र के हित में करना है हमें सुबह उठ करके, क्योंकि देखिए हिंदू मुसलमान कब तक आप चक्का चलता रहेगा, क्योंकि वो एक समय है, वो एक बार ख़त्म हो जाएगा एक समय आने के बाद, लेकिन हमें गरीबी भुखमरी आज इंडिया आज देखा जाए भुखमरी में हम पाकिस्तान से भी नीचे चला गया है, हम सब मुद्दों से उठ करके हमें देश को में आपके क्या मुद्दे रहेंगे अगर मैं आपसे बोलूं आप वोटिंग करने जाएंगे आप किन किन मुद्दों को मद्देनजर रख के वोटिंग करेंगे? मेन होती महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं मेन वाले, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार है मेन तो ये मुद्दे हैं, बाकी हमें हिंदू मुसलमान से नहीं करना है, हमें मेन मुद्दे हमारे यही हैं शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार जो सरकार हमें देगी हमें उसी को वोट करना है। बिल्कुल लगातार और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं उनसे ही बात करेंगे। सर इस बार चुनावी लहर है और फर्स्ट फेज की वोटिंग हो गई है, क्या लग रहा है ये जो लहरें हैं ये वेव्स हैं ये आपको क्या कहती हैं? मेरे हिसाब से तो ये तो वेव्स हैं और ऑलरेडी बीजेपी आएगी, हर बार बीजेपी आती है यहाँ से लखनऊ से, तो इस बार आपको लग रहा है 100% क्लीन स्वीप? हाँ। आपसे भी जानना चाहूंगी क्या लग रहा है आपको चुनावी लहर को देखते हुए, फर्स्ट फेज की अगर वोटिंग की बात की जाए तो एज कम्पेयर टू 19 थोड़ी सी कम जरूर रही? एक्चुअली द थिंग इज कि वैसे तो मैं आउटसाइडर हूँ बट मैं लखनऊ की डेवलपमेंट अभी देखी मैंने आज, तो आई थिंक कि बीजेपी ही आएगी। आपको भी लग रहा है जब आप वोट करने जाते हैं, आप लखनऊ से ही हैं ना? हाँ, यहाँ से राजनाथ सिंह हैं आपको पता है, तो जब आप वोट करने जाएंगे बेसिकली तो क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मेन मुद्दा तो रहेगा जो ऑलरेडी जो सड़क थोड़ी सी हमारी ख़राब चल रही है वो सही हो जाए, और रोजगार को लेके डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट, ताकि ये यूपी के जो लोग हैं वो थोड़ा बाहर ना जाएं, ज़्यादातर लोग हैदराबाद चेन्नई जो बेंगलोर कर रहे हैं उनको लखनऊ में जो हमारा आई टी हब बन रहा है वहाँ के लिए थोड़ा डेवलपमेंट प्रोसेस ज़्यादा हो। आप क्योंकि आउटसाइडर हैं आपने बोला, तो आप जब लखनऊ का डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी देखते हैं तो आपको क्या लग रहा है कितना एक चेंज लग रहा है ड्रास्टिक आपको? ड्रास्टिक चेंज है जी, मैं आई एम फ्रॉम पंजाब जी, पंजाब की जो साइकिल इंडस्ट्री लुधियाना हब मानी जाती थी ऑफ लेट नाउ इट हैज बीन शिफ्टेड टू लखनऊ, तो दिस हैज बीन डन बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट स्कीम्स गिवन बाय द यूपी गवर्नमेंट, तो पीपल वाउच फॉर इट, ताकि जैसा इन्होंने बोला कि लोग बाहर ना जाएं तो इंडस्ट्री अगर यहां आ रही है तो यहां के लोगों को यही एम्प्लॉयमेंट मिले। तो देखिए लगातार चाहे वो हर देश के लोग हैं कोने कोने से यहाँ पर मौजूद हैं और सभी चुनावी लहर पर बात कर रहे हैं, और फिलहाल वो प्रेजेंट गवर्नमेंट से खुश भी हैं, हम और भी अंदर जाते हैं और लोगों से बात करने की पूरी लगातार कोशिश करेंगे। देखिए मेन जो ओनर हैं हम उन्हीं से बात करेंगे और प्लस कुछ सीनियर सिटीजन्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हम उनसे बात करेंगे। देखिए लगातार यहाँ पर चाय की चुस्की ली जा रही है, हम बात करेंगे। सर आपके पास आना चाहूँगी, जिस तरीके से अभी सर चुनावी लहर है, अगर मैं आपको बोलूं कि फर्स्ट फेज वोटिंग हुई थी वो कंपैरेटिव टू 19 इतनी ज़्यादा नहीं रही थी, क्या रीजंस आप देखते हैं और आपके हिसाब से चुनावी लहर इस बार क्या कहती है? रीज़न तो जहाँ तक वोटिंग के लोगों की उदासीनता तो है ही है जी। कोई हो सकता है रीज़न हर क्षेत्र के अलग अलग है, कहीं गर्मी की वजह से है, कहीं सरकार से खुश ना खुश हों उस वजह से नहीं निकले लोग। सर गर्मी वाकई आपको वजह लगती है? क्योंकि देखिए गर्मी तो आज भी है लेकिन हम लोग चाय पीने निकले हैं।
नहीं गर्मी नहीं, उदासीनता मानेंगे। गर्मी जिसको देना है वो देगा, और गर्मी में हर साल लोकसभा के इलेक्शन होते इन्हीं दिनों में है, तो हर बार का जैसे पिछली बार से बता रहे हैं 5-6% वोटिंग अब किसे कम हुई है, तो ये उदासीनता का है। और जहाँ तक पार्टियों का है, हर पार्टी आप देखी नहीं अपने अपने हिसाब से उसके कारण लगा रही है अपने पक्ष में, लेकिन मेरे हिसाब से ये है कि चूंकि वोटर अगर जैसे अब सरकार के बहुत विरोध में होता तो जरूर बाहर निकलता वोट देने, तो इसमें यह है कि सरकार के विरोध में भी नहीं है और निकल भी नहीं रहा है, ये है। बहुत से लोग कहते हैं सरकार तो यही आएगी वापस। आपको क्या लग रहा है सर? हमें भी यही लग रहा है सर। आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरीके से चुनावी लहर है आप क्या कहना चाहेंगे? इस बार कहा गया था वोटिंग एज कम्पेयर टू 2019 थोड़ी सी कम रही है, निराश हुई है, और इससे कहीं ना कहीं जो सियासी दलें हैं उनमें थोड़ा बहुत खलबली जरूर मची होगी। देखिए पहले चरण के चुनाव में 2019 से वोटिंग तो कम हुई है, लेकिन प्रशासन का और सबका प्रयास ये है कि आगे के चरणों में जो है वोटिंग परसेंटेज बढ़े, उसके लिए हर लोग जागरूक हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि एक नागरिक होने के नाते हम लोग की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि सारा काम छोड़ के, जलपान छोड़ के, सब छोड़ के पहले मतदान करें फिर जलपान करें, वो करना चाहिए, उसके बाद चाय पे चर्चा भी करें, चाय पे चर्चा करें, लेकिन अपना मत का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि आपका मत बड़ा महत्वपूर्ण होता है एक अच्छी सरकार को लाने में। और जहाँ तक अभी आपने बताया कि होता क्या, जब बदलाव की जरूरत महसूस होती है तो ज़्यादा लोग निकलते हैं वोटिंग करने। बहुत से लोगों को लग रहा है कि आना तो भाजपा सरकार को ही है, इन्हीं को रिपीट करना है, तो हमारे एक वोट से क्या होने वाला है। ये गलत लोगों की फहमी है कि हर एक एक वोट काउंट करता है, तो इसलिए सबको वोटिंग करने जाना चाहिए और सरकार तो भाजपा की ही आएगी। सर आप फिलहाल जो करंट सरकार है उससे खुश हैं, और इस बार अगर आप वोटिंग करने जाते हैं तो क्या मुद्दे रहेंगे आपके? इस समय जो करंट सरकार लोकसभा में है उससे हम बहुत खुश हैं, उन्होंने विकास काफ़ी किया है, बहुत सा विकास दिखाई नहीं पड़ता लेकिन हो जाता है। एक एक चीज़ का वखान तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन आदमी में 2-3 चीज़ों की जो है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया है, एक तो सेफ्टी को लेके, और दूसरा जो एक कॉन्फिडेंस था कि अब ये नहीं, जैसे आजकल ये मुद्दा उठता है कि ये नौकरी नहीं मिली, आदमी प्रयास करता नहीं है और चाहता है कि नौकरी मिल जावे, तो हम इस सरकार से बिल्कुल खुश हैं, कोई हमको दिक्कत नहीं है, और जो आदमी प्रयास करता है उसको सब कुछ मिलता है। सर आपको क्या कहना है, ट्रिपल इंजन सरकार बनती दिख रही है आपको, जो माहौल चल रहा है? सरकार तो भाजपा की ही बनेगी जो पूरा माहौल बना हुआ है, लेकिन किसी भी तरीके से विपक्ष को कमजोर आंकने की गलती भी ना करें। अगर ये इस गलती का ही नतीजा है विपक्ष को कमजोर समझने का कि जो आज वोटिंग प्रतिशत डाउन हुआ है, ये बीजेपी की खास गलती रही है। वो बहुत ज़्यादा अपने को सुपर हीरो समझ रहे हैं, ऐसा ना महसूस करके विपक्ष को भी अपने आईने में रखना चाहिए, तभी सारे कार्य सुचारू रूप से चल पाएंगे। अगर विपक्ष को बिल्कुल किनारे ढकेलने की कोशिश करेंगे तो एक दिन खुद भी धोखा खा जाएंगे। तो बिल्कुल कांची, जिस तरीके से देखिए हमने हर तबके के लोगों से यहाँ पर बात की है, चाहे वो सीनियर सिटीजन्स हों चाहे वो यंगस्टर्स हों, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरीके से लाइव है सर, जिस तरीके से अभी वो सरकारें हैं उनसे फिलहाल खुश हैं, लेकिन साथ साथ उनका ये भी कहना है कि जो ऑपोजिशन है यानी कि अलायंस है उनसे भी सचेत रहना चाहिए, क्योंकि एक कंपटीशन की भावना होनी चाहिए। और जहां तक युवाओं की बात है, युवाओं का साफ तौर पर कहना है कि देखिए एक इस वक्त हमारे साथ फीमेल भी मौजूद हैं, हमारे साथ महिला भी हैं, और महिला भी एक इम्पोर्टेंस रोल अदा करती है। मैडम आप आज चाय पीने आई हैं, तो सबसे पहले चाय पे ही चर्चा आपसे करनी थी कि इस बार चुनावी लहर आप किस तरीके से देख रही हैं? जी मोदी जी जीतेंगे, मोदी जी को ही देना है जी। तो क्या मुद्दे रहेंगे आपके वोटिंग के? इस बार तो देखिए 33% रिजर्वेशन फीमेल्स के लिए भी दे दिया गया था, तो आप खुश हैं? लॉ एंड ऑर्डर, सुरक्षा, बीइंग अ फीमेल। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। लखनऊ में आपको पता है कौन कैंडिडेट हैं? लखनऊ में राजनाथ जी। जी जी। तो क्या लग रहा है आपको, रिपीट करेगी सरकार? जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी। तो मुद्दे आपके क्या रहेंगे मैडम? वोटिंग जब आप करेंगी तो किन आधार पर करेंगी इस बार? सुरक्षा है, सभी चीज है जी।
तो देखिए जिस तरह एक मैडम एक आखिरी सवाल आपसे और भी करना था, एक बदलाव महसूस करती हैं एज अ महिला आप पहले की सरकारों में और अभी की सरकार में? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। किस तरीके का? सुरक्षा है सब और हर चीज सुविधाएं हैं बहुत सब सही है जी। तो देखिए हम ने अभी एक महिला से भी बात की है और साफ तौर पर उनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं खुश ज़रूर हैं वो एज़ कम्पेयर टू पहले की सरकारें, लेकिन एक बात ये भी ध्यान में रखनी होगी कि जिस तरीके से एक कंपटीशन लेवल है वो भी ध्यान में रखते हुए इस बार की जो चुनावी लहर है साफ तौर पर लोगों का जो ज़्यादा झुकाव है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। युवा लगातार ये कह रहे हैं कि उनके कुछ मुद्दे हैं जिसमें रोज़गार यानी कि एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले, साथ ही महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सुरक्षा उनका बेहद इंपॉर्टेंट मुद्दा है, किसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको भी बेहतर फैसिलिटीज़ चाहिए। तो फिलहाल महिला सुरक्षा रोज़गार ये सारी चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखते इस बार जो लोग हैं उसी आधार पर वोट करेंगे। कांची अपने लोगों से बात की, साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि मोदी मैजिक चलता लखनऊ में नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका निकिता, और इसी के साथ चाय पर चर्चा में इतना ही, नए मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे।